हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे H&L व्लॉग में। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने बात करने आई हूँ हेयर लॉस पैक के बारे में। मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे पैक बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको हीना का एप्लीकेशन, हीना के पैक के साथ एक ऐसा पैक बताऊँगी जिससे आपकी बाल्डनेस, गंजेपन उसको बिल्कुल जो है ख़त्म कर देगा। आपके हेयर, बेबी हेयर ग्रो होंगे। एक्चुअली जो चीज़ हम खुद झेलते हैं, जो चीज़ हमारे साथ होती है, वो हम अपने साथ पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया है। मुझे बाल्डनेस की प्रॉब्लम आने लगी थी फ्रेंड्स, मेरे भी बाल काफ़ी झड़ने लगे थे। एक दिन में कम से कम 200 से 250 बाल मेरे गिर जाते थे। अगर मैं ऑयलिंग करने की सोचूँ तो ऑयलिंग के साथ साथ मेरे इतने बाल निकल जाते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट मैंने क्या सोचा कि अपने बालों की थोड़ी सी मुझे केयर करनी चाहिए। मैंने बहुत से डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाया, बिलीव मी, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी केयर खुद करनी शुरू की। गूगल में काफ़ी सर्च किया कि हमारे बालों के लिए क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हमारे बालों के लिए लाभदायक हो सकती हैं। तो उसमें मैंने देखा कि विटामिन की कमी जो है उसे पूरा कीजिए, कॉपर की कमी को पूरा कीजिए, विटामिन ई, ए, B12, ये सब आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्रोटीन आपके बालों के लिए, ये समझ लीजिए कि प्रोटीन नहीं है तो कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप अच्छा इनटेक, अच्छा खाइए, दालें खाइए, सब्जी खाइए, फल खाइए और दूध पीजिए, दही खाइए। तो ऐसी चीज़ें आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप अपने बालों की एक्सटर्नल, बाहर से भी केयर कीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि मेरे बेबी हेयर कैसे ग्रो होने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप ये चीज़ें देख रहे होंगे धीरे धीरे, देखिए ये सब, ये मेरे बेबी हेयर्स ही हैं। मुझे बाल्डनेस की प्रॉब्लम आने लगी थी, मेरा ये हिस्सा जो है पूरा गायब सा होने लग गया था फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया, थोड़ा सा ये ध्यान दिया कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए बाल अगर आपके झड़ेंगे, बाल नहीं रहेंगे तो लेडीज़ कैसी दिखेंगी? अच्छी नहीं दिखेंगी। बालों के बिना मेंस तो चल जाते हैं, बट बालों की सुंदरता जो है वो आदमी औरत के लिए सबके लिए है। बाल हमारे रूप रंग को और निखारते हैं और सुंदर बनाते हैं। तो हमें अपने बालों की थोड़ी सी केयर करनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको हेयर का एप्लीकेशन भी सिखा रही हूँ आज आगे, और कुछ कुछ चीज़ें अपनी रूटीन में आप शामिल कीजिए कि कभी केमिकल का यूज़ मत कीजिए। केमिकल जो होता है आपके बालों को ख़राब कर देता है। मैंने केमिकल बहुत अप्लाई किया बालों में। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मेरे बाल बिल्कुल लिटरली कर्ली थे। मैं आप आगे फ़ोटो भी शेयर करूँगी आपके साथ। और बहुत शॉर्ट लाइन थी, बाल कभी बढ़ते नहीं थे मेरे। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपने बालों की केयर करना। बट मुझे अपने बालों की केयर करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ये लगाइए मैं 2 महीने से अपने बालों की केयर कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने के लिए वो रिज़ल्ट जो मुझे बेनिफिट मिला है वो मेरे फ्रेंड्स को मिले। तो हम यही आशा करते हैं, यही चाहते हैं। तो आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं हीना का एप्लीकेशन, और मैं उसको बताऊंगी कि आप उसमें क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स को डालें जिससे आपके बालों में दुगनी तेज़ी से ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे, दुगनी तेज़ी से आपके बालों की हेयर फॉलिंग रुक जाएगी, बाल्डनेस जो है, गंजापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। शाइन, इतनी प्यारी शाइन आ जाएगी। और जो मैंने आपको बताया कि मेरे तो बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर थे, तो वो कर्लीनेस जो है वो ख़त्म होती जा रही है। ऊपर से देखिए रूट से आपके बाल जो निकलते हैं वो तो निकलेंगे, रूट से आप उसको चेंज नहीं कर सकते। रूट तो हमारी कर्ली है, वो तो निकलेगी। तो मतलब रूट से सपोज आपके बाल कर्ली निकल रहे, उसके बाद अगर आपके बालों की आप केयर करते रहेंगे तो इस तरीके से देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है फ्रेंड्स, मेरे बालों में बहुत फ़र्क पड़ चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको
ये मेरा पैक ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, अपने कमेंट मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगी। फ्रेंड्स मैंने गूगल में जितनी भी सर्च की है, रिसर्च करने के बाद जो जो मुझे बेनिफिट लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और जो जो मुझे नॉलेज मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आगे आगे मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगी जो आपकी स्किन के लिए, जो आपके हेयर के लिए बहुत अच्छी है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाल रूट से कितने कर्ली थे, ये देखिए मेरे कितने कर्ली और शॉर्ट हेयर थे। और मैं बाल्डनेस दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मेरे ऊपर का हिस्सा बिल्कुल गंजा होता जा रहा था, और उसके बाद आप देखिए मेरे हेयर, और आगे भी दिखाऊंगी मैं, ये तो बनी रही मेरे साथ।